आज अहमदाबाद में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पेटीएम ट्रॉफी 2022 का दूसरा मैच खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारत के लिए विराट कोहली का फॉर्म चिंता का सबब बना हुआ है। पिछले मैच में अच्छी शुरुआत के बावजूद मध्यक्रम का लड़खड़ाना भी भारत की कमजोरी को दिखाता है। वेस्ट इंडीज को अपनी बल्लेबाजी पर अधिक काम करना होगा, क्योंकि पिछले मैच में गेंदबाजों ने तो संतोषजनक प्रदर्शन किया था, पर वेस्टइंडीज के साथ बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज को निराश किया था। वेस्टइंडीज को इस मैच में अपने बल्लेबाजों से बेहतर काम करने की उम्मीद होगी। साथ ही वेस्टइंडीज अपनी पिछली सीरीज जो कि इंग्लैंड के साथ जीती थी, वही जीत का कारनामा दोबारा भारत के साथ भी दोहरा के इतिहास रचना चाहेगी। भारत की जीत के हीरो ऊपरी क्रम में कप्तान रोहित शर्मा का अर्धशतक, वहीं निचले क्रम में आकर सूर्य कुमार यादव और अपने करियर का आगाज करने वाले दीपक हुड्डा के बीच हुई अर्धशतकीय साझेदारी दोनों टीमों के बीच हार और जीत का मुख्य अंतर बनी। वहीं भारतीय स्पिनरों द्वारा की गई शानदार गेंदबाजी, जिसमें यजुवेंद्र चहल के द्वारा लिए गए 4 विकेट का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके साथ ही वेस्टइंडीज की हार का कारण उनके कप्तान किरण पोलार्ड का असफल होना, वहीं उनका धाकड़ बल्लेबाजी क्रम जिसमें पूरन और ब्रावो जैसे बल्लेबाज थे, उनका निराशाजनक प्रदर्शन भी उनकी हार का कारण बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज़।